हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। तो फ्रेंड, आज हम बनाएंगे सिर्फ एक आलू से एकदम क्रिस्पी मजेदार आसान नाश्ता, वो भी बिना मैदा, बिना सूजी, बिना बेसन, बिना ब्रेड, बिना अरारोट का। इतना ज़्यादा टेस्टी होता है कि आप इसे एक बार बनाएंगे तो घर वाले आपसे जिद करके बार बार बनवाएंगे। तो फ्रेंड, अगर आप बेसन, सूजी, मैदे के नाश्ते खा खा के बोर हो चुके, कुछ अलग खाना चाहते हैं, तो इस रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिएगा, जिसके सामने आप समोसा और कचौड़ी को भूल जाएंगे। क्योंकि समोसा कचौड़ी बहुत ज़्यादा ऑयली होते हैं, तो कुछ लोग इसे खाने से घबराते हैं। तो ये रेसिपी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होने के साथ साथ कम तेल की है और बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है। और ये बनाएंगे हम किचन की बेसिक चीज़ों से। जो चीज़ें हम इस्तेमाल करेंगे 100% गारंटी के साथ कह रहे हैं, आपको आपके किचन में मिल जाएगी। और इस रेसिपी की खासियत ये है कि आप इसे एक बार बनाकर पूरे महीने स्टोर कर सकते हैं, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी, अगर आपने मेरी बताई टिप एंड ट्रिक को फॉलो करके इस रेसिपी को बनाया तो। तो चलिए मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। उससे पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना, ताकि जैसे वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन मिल पाए सबसे पहले और आप हमारी आसान रेसिपी का फायदा उठा पाए सबसे पहले। यहाँ पे देखिए, मैंने एक उबला आलू लिया है जो वेट ने हमारा मुश्किल से 20 ग्राम है। यहाँ पे आलू को उबाल के मैंने ठंडा कर लिया है, गर्म आलू का इस्तेमाल नहीं करना है। अगर आपकी फैमिली बड़ी है तो आप इसमें आलू की मात्रा को बढ़ा सकते हैं। तो आलू डालने से ये नाश्ता बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी और कुरकुरा बनेगा और लंबे समय तक सॉफ्ट नहीं होगा। तो यहाँ पे देखिए, आलू को मैंने छील लिया है। छीलने के बाद अब इसको हम कट करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, इस तरीके से बीच से कट कर लेंगे, फिर इस तरह से हम इसको कट कर लेंगे और इसके छोटे छोटे से इस तरीके से क्यूब्स बनाएंगे। तो अगर आपके पास उबला आलू ना हो तो आप कच्चे आलू का भी इस रेसिपी में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आप उबला आलू लेंगे तो बहुत ही अच्छा टेक्स्चर आएगा। तो इस रेसिपी में आपको ख्याल ये रखना है कि गरम आलू का इस्तेमाल नहीं करना है, गरम आलू इस्तेमाल करेंगे तो अच्छा टेक्सचर नहीं आएगा। तो यहाँ पे देखिए, इस तरीके से आलू को मैंने मोटा मोटा कट कर लिया है। अब चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, सबसे छोटा वाला मिक्सी का जार ले लिया, अब इसके अंदर अपने आलू को हम ट्रांसफर करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, आलू को मैंने ट्रांसफर कर दिया है। और अब हम क्या करेंगे, अब इसमें हम डालेंगे 2 ग्रीन चिली। अगर आप लोग ज़्यादा स्पाइसी नहीं खाते तो ये सिर्फ 1 डालना, अगर आप बच्चों के लिए बना रहे तो ग्रीन चिली को स्किप कर सकते हैं। डियर, 3 कलियां लहसुन की, छोटी छोटी हैं, अगर आप लहसुन नहीं खाते तो स्किप कर सकते हैं। अगर आपकी बड़ी है तो आप सिर्फ 2 डालना। फिर इसके बाद हम इसमें डालेंगे 1 इंच का अदरक, जिसे अच्छे से वॉश कर गया, छिलका निकाल लिया है। अदरक जरूर डालना, इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। फिर 1/2 टीस्पून हम इसमें डालेंगे मोटी वाली सौंफ, अगर आपके पास सौंफ ना हो तो स्किप कर सकते हैं, अगर हो तो जरूर डालिएगा, इससे बहुत ही बढ़िया सा टेस्ट आता है और सौंफ हमारे पेट के लिए बहुत ज़्यादा लाभकारी होती है। और 1/4 चम्मच हम इसमें डालेंगे जीरा। टेस्ट के अकॉर्डिंग हम डालेंगे नमक, तो नमक आप जितना खाते हो उतना डाल सकते हैं अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। फिर इसके बाद हम इसमें क्या डालेंगे, हम इसमें 1 चम्मच डालेंगे दही। अगर आपके पास दही ना हो तो आप इसकी जगह पे नींबू का रस डाल सकते हैं। तो अगर आप नींबू और दही नहीं डालना चाहते तो इसके भी कर सकते हैं, लेकिन डालेंगे तो बहुत ही अच्छा सा नाश्ता बनेगा और कोई भी बेकिंग पाउडर या सोडा की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि दही हमारा इसको नाश्ते को अंदर से सॉफ्ट बनाएगा और जालीदार बनाएगा। फिर इसके बाद इसमें डाल देंगे ढेर सारा हरा धनिया। यहाँ पर हमें पुदीना नहीं डालना है, आपको हरा धनिया ही डालना है, इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। अब नाश्ते को कुरकुरा क्रिस्पी बनाने के लिए इसमें थोड़ा सा ऑयल डालेंगे, 1/2 टीस्पून तक, ज़्यादा नहीं डालना है। आप घी और बटर भी डाल सकते हैं, लेकिन सरसों का तेल मत डालना, और इसके अंदर कोई भी चीज़ नहीं जाएगी, ना ही पाया जाएगा। अब इसको हम कवर करके बिल्कुल अच्छे से इसका पेस्ट बनाएंगे। तो चलिए पेस्ट बना के लेके आते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। पानी का इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि आलू में खुद का पानी होता है, ये अच्छे से पिस जाएगा। तो चलिए पीस लेते हैं। तो फ्रेंड, यहाँ पे देखिए, मैंने इसको पीस लिया है, पीसने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होती, इतने अच्छे से पीस जाता है। ये देखिए, स्मूथ सा हमारा, बिल्कुल मक्खन मलाई की तरह, बिल्कुल अच्छा सा चिकना सा बैटर बन चुका है। अब इसको हम एक बड़े साइज के बर्तन में ट्रांसफर कर लेंगे सारा का सारा। तो फ्रेंड, आप हमारी ये मजेदार सी रेसिपी कहाँ से देख रहे हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जल्दी से बताइए, और साथ में जगह का नाम लिखना मत भूलिएगा, ताकि हम आपको थैंक्स बोल सके कमेंट में कि आप हमारी ये रेसिपी को इस जगह से देख रहे हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो फ्रेंड, कमेंट करना मत भूलिएगा, और रेसिपी में आपको कुछ भी अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ 1 लाइक कर दीजिए, बाद में आप भूल जाते हैं और लाइक नहीं करते हैं। तो हम लोग इतने प्यार से आप लोगों के लिए रेसिपी तैयार करते हैं, तो आप लोग 1 लाइक कर देंगे तो आपका बैलेंस नहीं कटेगा, बल्कि हम लोगों का मनोबल ही बढ़ेगा। तो यहाँ पर देखिए, इस तरीके से हमें सारा जार साफ कर लेना है, ताकि वेस्ट ना हो। और
अब इसको हम 2 मिनट के लिए छोड़ देंगे, क्योंकि हम इसमें कोई भी बेकिंग पाउडर या सोडे का इस्तेमाल नहीं कर रहे। तो हम इसको जब 2 मिनट के लिए छोड़ेंगे तो ये बिल्कुल अच्छे से फूल जाएगा और हमारा नाश्ता काफ़ी जरदार बनेगा। अगर आपको लगे कि आपकी गुठलियाँ रह गई तो आप इस बैटर को छान सकते हैं, लेकिन बिना पानी डाले पीसेंगे तो इस तरीके से चिकना बन जाएगा। अब चलिए इसको साइड में रखते हैं, दूसरा काम करते हैं जब तक ये फूलता है। तो फ्रेंड आ गया है गैस की तरफ। यहाँ पे देखिए मैंने एक पैन लिया, आप चाहे तो इसकी जगह पे कढ़ाई भी ले सकते हैं, जो भी बर्तन लीजिए, थोड़ा सा भारी लीजिए और फैला हुआ लीजिए। अब इसमें हम डालेंगे 1 छोटा चम्मच ऑयल, आप घी और बटर भी डाल सकते हैं। जब तक तेल हमारा गर्म नहीं होगा हमें कुछ भी नहीं करना है। जैसे हमारा तेल गर्म हो जाएगा हम इसमें 3 कलियाँ लहसुन की डाल देंगे और 1 इंच के अदरक को इस तरीके से मोटा मोटा कट कर लिया ये डाल देंगे और दोनों चीज़ों को हम 10 से 15 सेकंड अच्छे से भून लेंगे। आप चाहे तो इसका पेस्ट बना के भी डाल सकते हैं, लेकिन इस तरीके से डालेंगे तो बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। अगर आप अदरक और लहसुन नहीं खाते तो स्किप कर सकते हैं। फिर इसके बाद हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच मूंगफली। तो यहाँ पे मैंने कच्ची मूंगफली का इस्तेमाल किया है। गैस के फ्लेम को हमें मीडियम करके मूंगफली को 10 से 15 सेकंड अच्छे से भूनना है। यहाँ पे हमें ख्याल ये रखना है कि मूंगफली को हमें काला करने की ज़रूरत नहीं है। तो मूंगफली में पाया जाता है प्रोटीन, जो शरीर के विकास के लिए बहुत ज़्यादा लाभकारी होता है। अगर आपके पास मूंगफली ना हो तो आप इसकी जगह पे चने की दाल ले सकते हैं या फिर उड़द की धुली हुई दाल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। डियर तो यहाँ पे देखिए मूंगफली का कच्चापन दूर हो गया है और मूंगफली हमारी हल्की हल्की सी क्रिस्पी हो चुकी है। फिर इसके बाद हम इसमें क्या डालेंगे आइए आपको बता देते हैं। अब इसमें हम डालेंगे 1/2 टीस्पून तक मोटी वाली सौंफ। सौंफ जरूर डालिएगा, इससे बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर आता है। सौंफ को हम 10 से 15 सेकंड चटका लेंगे, काला बिल्कुल भी नहीं करेंगे। फिर इसके बाद इसमें थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्च डालेंगे, क्योंकि हमने यहाँ पे कुटी हुई डाली है, आप चाहे तो पिसी हुई डाल सकते हैं। फिर इसके बाद हम इसमें थोड़ा सा डालेंगे गरम मसाला 1 से 2 चुटकी और सारे मसालों को हम 10 से 15 सेकंड अच्छे से भून लेंगे, काला बिल्कुल भी नहीं करेंगे। फिर इसके बाद हम इसमें क्या डालेंगे, यहाँ पे हमने 2 ग्रीन चिली को इस तरीके से बीच से कट करके ले लिया है, ये डाल देंगे। तो मेरी स्पाइसी नहीं थी तो मैंने 2 लिया है। अगर आपकी स्पाइसी हो तो आप सिर्फ 1 लेना। अगर आप बच्चों के लिए बना रहे तो ग्रीन चिली को स्किप कर सकते हैं। डियर यहाँ पे हमें ग्रीन चिली को भी 10 से 15 सेकंड अच्छे से भून लेना है। जब यहाँ पे अच्छे से भुन जाएगी तब इसमें हम डाल देंगे टमाटर। तो यहाँ पे हमने 2 मीडियम साइज के टमाटर लिए हैं, जिसके ना मैंने बीज निकाले हैं ना ही जूस निकाला है। लाल टमाटर लेंगे तो बहुत ही अच्छा सा रिजल्ट आएगा। टमाटर को हम 10 से 15 सेकंड अच्छे से भून लेंगे। तो टमाटर हमारे सॉफ्ट हो जाए इसके लिए हम इसमें डाल देंगे थोड़ा सा नमक 1/2 टीस्पून तक, ताकि हमारे टमाटर सॉफ्ट हो जाए। तो यहाँ पे देखिए अब इसके बाद हम इसको चटपटा देने के लिए क्या डालेंगे, चटपटापन देने के लिए हम इसमें डालेंगे 1/2 टीस्पून तक चाट मसाला। अगर आपके पास चाट मसाला ना हो तो आप इसकी जगह पे ड्राई अमचूर पाउडर यानी खटाई का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर नींबू का रस भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए टमाटर हमारे हल्के हल्के से सॉफ्ट हो गए हैं। तो अब इसमें ऐड करेंगे हम थोड़ी सी कसूरी मेथी, अगर आपके पास ना हो तो स्किप कर सकते हैं। फिर इसके बाद हम इसमें डाल देंगे ढेर सारा हरा धनिया, जिसको हम डंठल के साथ डालेंगे। यहाँ पे आपको ख्याल ये रखना है डंठल को निकालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसमें बहुत ही अच्छा टेस्ट होता है। तो यहाँ पे हरा धनिया डालने के बाद अब हम गैस के फ्लेम को हाई कर देंगे और हाई फ्लेम पे हम सारी चीज़ों को 10 से 15 सेकंड अच्छे से भूनेंगे। यहाँ पे धनिया डालने के बाद हमें इसे ज़्यादा नहीं भूनना है। गैस के फ्लेम को मैंने ऑफ कर दिया है। धनिया हमारी हल्की हल्की सी सॉफ्ट हो जाए बस इतना भूनना है और धनिया का कच्चापन निकल जाए। यहाँ पे धनिया डालते समय आपको ख्याल ये रखना है कि धनिया बिल्कुल अच्छे से ड्राई होना चाहिए, उसमें पानी नहीं होना चाहिए। अब हम क्या करेंगे, इस मिश्रण को हम हल्का सा ठंडा होने का वेट करेंगे और फिर इस्तेमाल करेंगे। तो चलिए हल्का सा ठंडा कर लेते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिए इतना ठंडा हो गया कि हम इसे आराम से छुपा रहे हैं। अब हम क्या करेंगे, सबसे छोटा वाला मिक्सी का जार ले लेंगे, ना बड़ा वाला ना मीडियम वाला, और इसके अंदर इसको हम ट्रांसफर कर देंगे सारा का सारा। और फिर इसके बाद हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे और इस तरीके से 1 से 2 चम्मच पानी डाल देंगे और अब इसको हम कवर करके बिल्कुल अच्छे से इसका पेस्ट बना लेंगे। तो चलिए पेस्ट बना के लेके आते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने इसको पीस लिया है, पीसने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होती, अच्छे से पीस जाता है। अब मैं इसको एक कटोरी में ट्रांसफर कर दूंगी। आप चाहे तो इसे ऐसे भी इंजॉय कर सकते हैं, ऐसे भी ये बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है, लेकिन मैं इसके ऊपर लगाऊंगी तड़का, जिससे इसका लुक भी बढ़ जाएगा, टेस्ट भी बढ़ जाएगा। तो थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे ताकि जो लगा हुआ है वो भी बिल्कुल निकल जाए, वेस्ट ना हो। तड़का लगाने से क्या होगा, इसकी सेल्फ लाइफ भी बढ़ जाएगी और ये चटनी 10 से 15 दिन तक बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी। तो तड़का लगाने के लिए मैंने 1 चम्मच तेल को अच्छे से गर्म कर लिया है, धुआँदार। फिर इसके बाद मैं इसमें ऐड करूँगी जीरा,
हाफ टी स्पून तक, और हाफ टी स्पून हम इसमें ऐड करेंगे राई। तो राई बारीक वाली होती है और सरसों मोटी वाली होती है। और फिर उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ी सी हींग, और इसको चटकने देंगे 10 से 15 सेकेंड। जब ये चटक जाएगा तब तो इसमें लास्ट में थोड़ी सी कसूरी मेथी डाल देंगे और इस तरीके से ऐड कर देंगे। तो देखिए तड़का लगने के बाद जो इसका लुक है कितना ज़्यादा बढ़ गया है, टेस्ट भी बढ़ गया है। 15 दिन तक बिल्कुल ये चटनी ख़राब नहीं होगी। चाहे तो फ्रिज में स्टोर कीजिए, चाहे तो आप इसे किचन के किसी भी जगह पे रख दीजिए कोने में, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा अगर आपने मेरे तरीके से बनाया होगा। और देख लीजिए कितनी बढ़िया बनी है। और इस चटनी के साथ आप कोई भी नाश्ता सर्व करेंगे जो उसका टेस्ट है वो दुगना हो जाएगा। तो चलिए चटनी को साइड में रखते हैं और दूसरा काम करते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिए पैन को मैंने अच्छे से गर्म कर लिया है। जब हमारा पैन गर्म हो जाएगा तब इसमें हम एक छोटा चम्मच ऑयल डालेंगे। आप घी और बटर भी डाल सकते हैं, सरसों का तेल भी डाल सकते हैं। जैसे ऑयल हमारा गर्म हो जाएगा हम इसमें एक चुटकी हींग डालेंगे, सिर्फ एक चुटकी डालना है। और हींग को 10 से 15 सेकंड चटकने देंगे। फिर इसमें हम डाल देंगे हाफ टी स्पून तक जीरा, हाफ टी स्पून हम इसमें डालेंगे सौंफ। दोनों के कॉम्बिनेशन से बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। फिर मैंने एक इंच के अदरक को इस तरीके से मोटा मोटा कट कर लिया, ये डाल देंगे। और एक मीडियम साइज की प्याज लिया जिसको मैंने इस तरीके से मोटा मोटा कट करके लिया है। आप चाहे तो प्याज को उससे भी कर सकते हैं अगर आप प्याज नहीं खाते। और यहाँ पे आप इसमें गार्लिक भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं गार्लिक नहीं डाल रही हूँ इसके अंदर। अगर आपको खाना है तो आप डाल सकते हैं। यहाँ पे हम प्याज को ना ही ब्राउन करेंगे, ना ही गोल्डन करेंगे और ना ही लाल करेंगे। बस हम प्याज का कच्चापन दूर करेंगे और इसको हल्का सा ट्रांसपेरेंट होनेंगे। तो देखिए ट्रांसपेरेंट हो चुकी है प्याज। अब इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा टर्मरिक पाउडर यानी हल्दी, चौथाई चम्मच, थोड़ा सा कुटा हुआ लाल मिर्च, क्योंकि हमने हरा भी डालना है अभी इसीलिए हमने इसके अंदर नहीं डाला है ज़्यादा। अब इसमें एक इस तरीके से हरा भी डाल देंगे। अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो स्किप कर सकते हैं। फिर इसके बाद हम इसमें डालेंगे गाजर, जो हमने इस तरीके से मोटी मोटी ग्रेट करके ली है। तो वैसे तो बच्चे वेजिटेबल खाते नहीं है तो इस तरीके से आप उनको खिला सकते हैं। अब इसके बाद इसमें डालेंगे कैल्शियम से भरपूर शिमला मिर्च, जो मैंने ग्रीन वाली ली है। आप चाहे तो येल्लो रेड वाली का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो वेजिटेबल आप अपनी पसंद की डाल सकते हैं, जो आपके फ्रिज में हो आप डाल दीजिएगा, जो ना हो स्किप कर सकते हैं। फिर उसके बाद इसमें डालेंगे बच्चों के फेवरेट आलू। तो यहाँ पे मैंने दो मीडियम साइज के आलू को बॉईल करने के बाद ठंडा कर लिया है और इस तरीके से मोटा मोटा मैश कर लिया है। आप चाहे तो ग्रेट करके भी ले सकते हैं, मैश या ग्रेट जो भी कीजिए, आलू को ठंडा करके ही कीजिए। अगर आपका बड़ा है तो आपको सिर्फ एक आलू लेना है। ग्रेट नहीं आलू हमारा मुश्किल से 50 ग्राम था। तो यहाँ पर देखिए आलू को मैंने 10 से 15 सेकंड अच्छे से भून लिया है। भूनने से क्या होगा, आलू का जितना भी मॉइस्चर है वो खत्म हो जाएगा और ऐसे आप लंबे समय तक स्टोर कर पाएंगे। तो यहाँ पर देखिए अगर आप आलू नहीं डालना चाहते तो आलू को स्किप कर सकते हैं। आप इसकी जगह पर पनीर ऐड कर सकते हैं या फिर आप इसमें फूल गोभी या पत्ता गोभी ग्रेट करके भी ले सकते हैं, लेकिन आलू बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद होता है इसलिए मैंने इस रेसिपी में आलू का इस्तेमाल किया है। तो अगर आप डायबिटीज के मरीज हैं तो आलू को स्किप कर दीजिएगा डियर। अब इस पर हम थोड़ा सा डालेंगे चाट मसाला जिससे ये चटपटा बनेगा। अगर आपके पास चाट मसाला ना हो तो आप इसकी जगह पे नींबू का रस डाल सकते हैं या फिर ड्राई आमचूर पाउडर यानी खटाई का इस्तेमाल कर सकते हैं। थोड़ा सा चौथाई चम्मच गरम मसाला, जो मेरा होममेड है। अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, आपके साथ शेयर करेंगे। फिर इसके बाद हम इसमें डालेंगे नमक। तो नमक आपको अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालना है, जितना खाते हैं उतना डाल सकते हैं। मैंने अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाला है हाफ टी स्पून तक। नमक हमें लास्ट में ही डालना है। अगर आप पहले डालेंगे तो नमक की वजह से जो सब्जियां हैं वो अपना पानी छोड़ने लगेंगी और ये बहुत ही गीला गीला हो जाएगा। अगर आपकी स्टफिंग गीली गीली हो रही है तो आप उसमें थोड़ा सा भुना हुआ बेसन डाल दीजिए या फिर आप जो चना मिलता है मार्केट में भुना वाला उसका पाउडर बना के भी डाल सकते हैं। लेकिन यही तरीके से बनाएंगे तो बिल्कुल भी चिपचिपी स्टफिंग नहीं बनेगी, इस तरीके से बिल्कुल अच्छे से बनेगी। फिर उसके बाद हम लास्ट में इसमें डाल देंगे ढेर सारा हरा धनिया, क्योंकि हरा धनिया बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। मुझे काफ़ी पसंद है इसलिए मैं ज़्यादा डाल रही हूँ। अगर आप इतना ही डालना चाहते हैं तो कम डाल सकते हैं। तो किस चीज़ को मेरी तरीके से धनिया बहुत पसंद है, कौन कौन धनिया लवर है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जल्दी से बताओ। तो यहाँ पे धनिया डालने के बाद हमें ज़्यादा नहीं पकाना है, 10 से 15 सेकंड कुक करेंगे, गैस के फ्लेम को बंद कर देंगे और इस मिक्सचर को हम ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। अगर आप धनिया डालने के बाद ज़्यादा पकाते हैं तो धनिया का कलर भी अच्छा नहीं आता और टेस्ट में कड़वापन आ जाता है। तो इसको रख देते हैं साइड में ठंडा होने के लिए। तब तक हम अपने बैटर को चेक कर लेते हैं, वो फूल गया होगा। तो फ्रेंड देखिए 5 मिनट हो चुका है, बैटर हमारा बिल्कुल अच्छे से फूल गया है और इस तरीके से देखिए लाइट वेट हो गया है बिल्कुल अच्छे से। हमारा बैटर जब तक फूलेगा नहीं तब तक हमें इस्तेमाल नहीं करना है। अब इसके बाद हम इसके अंदर क्या डालेंगे, आइए आपको बता देते हैं। तो यहाँ पे हम चौथाई चम्मच लेंगे अजवाइन, जिसको हम इस तरीके से मसल कर डालेंगे। अजवाइन डालने से बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। फिर इसके बाद इसके अंदर जाएगा बहुत ही बेसिक मसाले, थोड़ा सा टर्मरिक पाउडर यानी हल्दी, जिससे सुंदर सा लुक आएगा।
इतना बस चौथाई चम्मच डालना है। फिर इसके बाद हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा जीरा, जिससे सुंदर सा लुक आएगा। थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्च, अगर आपके पास कुटी वाली ना हो तो आप पिसी भी ले सकते हैं। और अब इसमें हम डालेंगे नमक। तो हमने इसके अंदर नमक नहीं ऐड किया था पीसते समय, क्योंकि हमें अगर पीसते समय नमक डाल देंगे तो बहुत ही बड़ा नुकसान होगा, ये लिक्विड हो जाएगा। तो यहाँ पे नमक आपको तब डालना है जब आप इसको बनाना चाहें। और थोड़ी सी हम इसके अंदर डालेंगे हींग, तो नाश्ते को टेस्टी बनाने के साथ साथ पचाने का काम करेगी। और अब हम क्या करेंगे, सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो देखिए इस तरीके से मिक्स कर लिया है। अब इसको चटपटा बनाने के लिए इसके अंदर ऐड करेंगे हम थोड़ा सा चाट मसाला, चौथाई चम्मच तक। ये मेरा होममेड है, अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, मैं आपके साथ शेयर करूंगी। और एक चुटकी हम इसमें डालेंगे गरम मसाला। तो गरम मसाला हमें ज़्यादा नहीं डालना है, सिर्फ एक चुटकी डालना है। ये मेरा होममेड है, अगर आपको इसकी भी रेसिपी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, आपके साथ शेयर करेंगे। ढेर सारा हरा धनिया, अगर आप चाहें तो पुदीना भी ऐड कर सकते हैं। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पे देखिए इस तरीके से मिक्स कर लिया है। अब यहाँ पे हम दो चम्मच अलग कर लेंगे, इसको हम बाद में इस्तेमाल करेंगे। तो मेरा छोटा चम्मच है तो मैं दो ले रही हूँ, अगर आपका बड़ा है तो आप सिर्फ एक चम्मच लेना। अब बचे हुए बैटर में हम क्या ऐड करेंगे, आइए आपको बता देते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिए मैंने क्या लिया, यहाँ पे मैंने लिया है कच्चा चावल। तो यहाँ पे इस रेसिपी में हम चावल का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे चावल को अच्छे से वॉश कर लेना है, फिर इसके बाद इसको पानी में डाल के कम एक घंटे के लिए छोड़ देना है भीगने के लिए। जब वो अच्छे से भीग जाए तब उसका पानी अलग करके इसको पीस लेना है, उसका पेस्ट बना लेना है। यहाँ पे चावल हमारा वेट ने मुश्किल से 50 ग्राम नाप में कटोरी, आप कब से भी मेजरमेंट कर सकते हैं डियर। तो अगर आप इसको भिगोना नहीं चाहते, यानी चावल का इस्तेमाल नहीं करना चाहते, तो आप मेरी तरीके से यूज कर सकते हैं इसका शॉर्ट फॉर्म, वो है हमारा चावल का आटा। तो यहाँ पे देखिए चावल का आटा मैंने घर में बनाया, अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो इससे क्या होगा, ये फटाफट बन जाएगा। चावल को कई बार भिगोना भूल जाते हैं और नाश्ता खाने का मन करता है, या एकदम से मेहमान आ जाते हैं तो समझ में नहीं आता क्या बनाए, तब तो इतना टाइम नहीं होता है कि चावल को भिगोने जाए या फिर पीसने जाए। तो आप इस तरीके से चावल का आटा इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे वेट नहीं हमारा मुश्किल से 50 ग्राम है, और नाप में कटोरी आप कब से मेजरमेंट कर सकते हैं। अब इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो यहाँ पे आपको पहले से अच्छे से मिक्स कर देना है ताकि इसमें गुठलियाँ ना पड़े, हल्के हल्के हाथों से। तो देखिए इस तरीके से मिक्स कर दिया है। अब इसके अंदर ऐड करेंगे हम पानी, क्योंकि ये थिक है, तो इसमें हम ना ठंडा पानी ना गर्म पानी, हम रूम टेम्परेचर का पानी ऐड करेंगे। तो चलिए ऐड करते हैं। तो यहाँ पे हमें ज़्यादा पानी नहीं ऐड करना है, हमें इसका जो बैटर है बहुत ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं चाहिए और बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं चाहिए। तो थोड़ा सा पानी डाल के इसको पहले मिक्स कर लेंगे। अगर आप एक साथ पानी डाल देते हैं तो इसमें गुठलियाँ पड़ जाएंगी, फिर आपको निकालने में दिक्कत होगी और हाथ भी दर्द होंगे और नाश्ता भी अच्छा नहीं बनेगा। तो यहाँ पे देखिए फिर से पानी ऐड करेंगे। तो अभी हम आपको बता देंगे कि एग्जैक्टली इसके अंदर कितना पानी जाएगा। तो देखिए इस तरीके से मिक्स कर लिया है। यहाँ पे हमारा बैटर ऐसा होना चाहिए, क्योंकि चावल का आटा बहुत ही ज़्यादा फूलता है, तो हमें इसे बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं रखना है, हल्का सा इस तरीके से रखेंगे तो ये बिल्कुल अच्छे से रेडी हो जाएगा। अब इसको हम एक मिनट का टाइम देंगे ताकि जो हमारा पानी है बिल्कुल अच्छे से इसके अंदर समा जाए और सारा टेस्ट बिल्कुल अच्छे से मिल जाए। तो चलिए इसको हम एक मिनट के बाद चेक करेंगे। यहाँ पर मैंने एक गिलास पानी लिया था जिसको मैंने पूरा यूज़ कर लिया, बस 2 से 3 चम्मच बचा है। तो छोटी ग्लास थी तो पूरी यूज हो जाएगी, बड़ी है तो आधी यूज होगी। तो चलिए एक मिनट के बाद इसे चेक करेंगे। तो फ्रेंड एक मिनट हो चुका है इसको रखे हुए, ये देखिए बैटर हमारा बिल्कुल अच्छे से रेडी हो चुका है। यहाँ पे आप इस तरीके से बैटर को बना के फ्रिज में स्टोर भी कर सकते हैं हवा बंद डिब्बे में, और जब आपका मन करे आप फटाफट निकाल के बच्चों को नाश्ता सर्व कर सकते हैं, पति को लंच बॉक्स में दे सकते हैं, या फिर जब भी आपके यहाँ मेहमान आ जाए आप इस तरीके से बना के उन्हें चाय के साथ केचप के साथ सर्व कर सकते हैं। और जो चटनी मैंने बनाई उसके साथ सर्व करेंगे तो उसका टेस्ट दुगना हो जाएगा। तो चलिए चलते हैं बनाने के प्रोसेस की तरफ। उससे पहले थोड़ा सा फिंगर में हम इस तरीके से ऑयल लगा लेंगे ताकि हमें बनाने में कोई दिक्कत ना हो। तो चलिए चलते हैं बनाने के प्रोसेस की तरफ। तो फ्रेंड आ गए गैस की तरफ। यहाँ पे देखिए मैंने एक कढ़ाई ली, आप चाहे तो पैन भी ले सकते हैं, जो भी बर्तन लीजिए थोड़ा सा भारी और फैला हुआ लीजिए। यहाँ पे तेल को हमें बिल्कुल अच्छे से गर्म कर लेना है, जब तक तेल गर्म नहीं होगा हमें नाश्ते को नहीं बनाना है। और इस तरीके से चेक करना है, हथेली को ऊपर रखना है, अगर आपको गर्माहट महसूस हो रही है तो समझ जाइए तेल गर्म हो चुका है। जब एक बार तेल गर्म हो जाएगा तो गैस की फ्लेम को हम मीडियम कर देंगे और मीडियम फ्लेम पर नाश्ते को बनाएंगे। हाई फ्लेम पर नहीं बनाना, नहीं तो क्या होगा, नाश्ता हमारा ऊपर से तो कलर पकड़ लेगा लेकिन अंदर से कच्चा रह जाएगा।
अगर आप इसे बहुत ज़्यादा लो फ्लेम पे पकाएंगे तो ऑयली बनेगा। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से हमें इसको बना लेना है, कि देखिए इस तरीके से हमें लेना है और इसको हल्का सा गोल शेप दे देना है और डाल देना है। तो थोड़ा सा आप ऑयल लगा लेंगे तो क्या होगा, ये बिल्कुल भी चिपकेगा नहीं। यहाँ पे आपको ख्याल ये रखना है कि एक बार में उतना ही डालना है जितना कि पलटने में दिक्कत ना हो, और दूसरी बार डालते ही तुरंत चलाने की गलती नहीं करनी है। और दूसरी बात आपको ख्याल ये रखना है कि इसको हमें हाई फ्लेम पे नहीं पकाना है, नहीं तो क्या होगा, ऊपर से थोड़ा सा पकड़ लेगा लेकिन अंदर से कच्चा रह जाएगा। अगर आपके कढ़ाही या पैन बड़ा है तो आप एक बार में ढेर सारे बना सकते हैं, लेकिन थोड़ी थोड़ी दूरी पर डालिएगा, एक साथ चिपकाइएगा नहीं। ये देखिए इसका साइज आपको बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं रखना है, नींबू के आकार का बनाएंगे तो बहुत ही अच्छे से कुक होगा अंदर से, और ये देखने में इतने ज़्यादा क्यूट लगते हैं कि बच्चे हो या बड़े सभी लोग इसे मांग मांग के खाएंगे। ये देखिए यहाँ पे हमने डाल दिया है, एक दो और डाल देंगे क्योंकि मेरी कढ़ाई बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं है, इसीलिए मैं ज़्यादा नहीं डालूंगी, नहीं तो क्या होगा जब हम इसको चलाएंगे तो ये आपस में चिपक जाएंगे। बहुत ही आसान तरीका है इसे बनाने का। आप इसे शेप देना चाहे तो आप इसे 4 एंगल 3 एंगल या फिर आप इसे कटलेट के शेप में ही बना सकते हैं, क्योंकि बैटर हमारा बहुत ज़्यादा गीला नहीं है। तो चलिए 2 मिनट के बाद इसे चेक करेंगे। 2 मिनट के लिए इसे 2 मिनट हो चुका है इसको पकते हुए। यहाँ पे देखिए इस तरीके से हो गए हैं। अब इसको हम टर्न कर देंगे। कितने ज़्यादा फूले फूले से बने हैं, कोई भी बेकिंग पाउडर या सोडे का इस्तेमाल नहीं किया तब भी ये फूले फूले बनते हैं, क्योंकि हमने इसके अंदर 1 चम्मच दही डाला था। दही आपका खट्टा होना चाहिए, अगर आपका खट्टा नहीं है तो आपको 2 चम्मच डालना है, और खट्टा नहीं होगा तो सिर्फ 1 चम्मच काफ़ी है। तो अगर आपके पास दही नहीं है तो आपको थोड़ा सा बेकिंग पाउडर या खाने वाला मीठा सोडा ऐड करना है। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से मैंने पलट दिया है। अब इसे दूसरे साइड भी 2 मिनट पकाएंगे। टोटल इसको बनने में 4 से 5 मिनट का टाइम लगेगा, और ये इतने ज़्यादा मज़ेदार बनते हैं कि आप इसके सामने समोसा कचौड़ी और पकौड़ी तीनों भूल जाएंगे। तो चलिए इसको 2 मिनट और पका लेते हैं। तो फ्रेंड 2 मिनट हो चुका है दूसरे साइड से पकते हुए। ये देखिए कितना प्यारा सा कलर आ चुका है, बिल्कुल अच्छे से गोल्डन हो चुके हैं। अब गैस के फ्लेम को हमने हाई कर दिया है, और हाई फ्लेम पे इसको इस तरीके से अलटते पलटते हुए 10 सेकंड पकाएंगे ताकि ऊपर से बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी हो जाए। तो यहाँ पे आपको पहले से मीडियम फ्लेम पे पकाना है ताकि ये अंदर तक कुक हो जाए, और फिर उसके बाद 10 सेकंड आपको इसे इस तरीके से अलटते पलटते हुए हाई फ्लेम पे पकाना है, जिससे ये बहुत ही बढ़िया सा सुनहरा सा कलर भी पकड़ लेंगे और ऊपर से बहुत ही ज़्यादा करारे हो जाएंगे। तो यहाँ पर देख लीजिए अब इसको हम निकाल लेंगे, इससे ज़्यादा हमें इसे नहीं पकाना है, बहुत ज़्यादा काला नहीं करना है। तो इस तरीके से छन्ने में निकालेंगे तो एक्स्ट्रा तेल होगा वो वापस हो जाएगा। देख लीजिए कितने ज़्यादा देखने में खूबसूरत लग रहे हैं, और खा के तो आपको मज़ा ही आने वाला है। आप एक बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, जिसे हमने सिर्फ 1 आलू से बनाया है और चावल के आटे से बनाया है। अब हमें क्या करना है, दोबारा बनाने के लिए हमें तेल को फिर से अच्छे से गर्म कर लेना है। जब तक तेल गर्म नहीं होगा कुछ भी नहीं करना है। जैसे तेल हमारा गर्म हो जाएगा सेम हम पहले वाले की तरह बना लेंगे। तो चलिए फटाफट बना लेते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। तब तक आप हमारी वीडियो को प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिए, क्योंकि बाद में आप भूल जाते हैं। तो फ्रेंड बनकर रेडी हो चुका है हमारा चटपटा सा कुरकुरा सा करारा सा नाश्ता। देख लीजिए इसका फाइनल रिजल्ट कितना ज़रा खूबसूरत लग रहा है, जितना ज़रा देखने में खूबसूरत लग रहा है खाने में उससे ज़्यादा क्रिस्पी है। चलिए आपको दिखा देते हैं कितना ज़रा क्रिस्पी बना है। ये देखिए सारे ही हमारे इसी तरीके से क्रिस्पी बने हैं, बिल्कुल भी ऑयली नहीं बने। इस तरीके से देखिए हथेली पे प्रेस कर रहे हैं तो बिल्कुल भी ऑयल नहीं नज़र आ रहा है, क्योंकि बिल्कुल भी ऑयली नहीं बनते, क्योंकि हमने इसके अंदर चावल का आटा डाला है। अगर आप कोई और चीज़ डालते तो ज़रूर ऑयली बनते। अब मैं आपको तोड़ के दिखाऊंगी अंदर से कितने ज़रा सॉफ्ट है, जालीदार बने हैं, और इस चटनी के साथ जो इसका कॉम्बिनेशन है वो अलग ही लेवल का है। आप एक बार इस नाश्ते को चटनी के साथ चख लेंगे तो जब भी नाश्ता बनाएंगे चटनी जरूर बनाएंगे, इसकी मैं गारंटी लेती हूँ। तो कैसी लगी आपको हमारी मज़ेदार सी रेसिपी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आप इसे बच्चों के टिफिन बॉक्स में, पति के लंच बॉक्स में दे सकते हैं। अगर आप चटनी नहीं बनाना चाहते तो आप इसे केचप के साथ इन्जॉय कर सकते हैं। ये मेरा होममेड केचप है, अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो फ्रेंड रेसिपी में आपको कुछ भी अच्छा लगे तो प्लीज एक लाइक जरूर कर देना, और फैमिली एंड फ्रेंड के साथ इस रेसिपी को जरूर शेयर करना। तो जब भी आपका कुछ चटपटा खाने का मन करे और आपके पास कुछ ज्यादा चीजें ना हो तो आप 1 आलू के साथ और चावल के आटे के साथ इस रेसिपी को बना सकते हैं। तो चलिए इसको साइड में रख देते हैं और दूसरी रेसिपी की तरफ बनते हैं। और अगर आपको रेसिपी में कुछ भी अच्छा लगे तो आप जरूर बताइए कि आपको कौन सी रेसिपी ज़्यादा अच्छी लगी, पहली या दूसरी। तो यहाँ पे देखिए इसको साइड में रखेंगे, बैटर को जो हमने बचा के रखा था उसे यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे एक बड़े साइज का बर्तन ले लिया है, अब इसके अंदर अपना पेस्ट डाल देंगे जो हमने बचा के रखा था सारा का सारा।
तो फ्रेंड यहाँ पे देखिए मैंने इसको ट्रांसफर कर लिया है। अब इसके अंदर मैं क्या डालूंगी, अब इसमें मैं डालूंगी हर किचन में मौजूद गेहूं का आटा, ये वही आटा है जिससे हम लोग रोटी बनाते हैं, चपाती बनाते हैं। वेट नहीं हमारा मुश्किल से 150 ग्राम है। नाप में कटोरी आप कस्से मेजरमेंट कर सकते हैं। दिए आटे को हम इसके अंदर ट्रांसफर कर देंगे और फिर इसके बाद हम इसके अंदर क्या डालेंगे आइए आपको बता देते हैं। तो अब इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच कॉर्नफ्लोर, तो यहाँ पे मैंने सिर्फ 1 चम्मच डाला है। अगर आपके पास ना हो तो आप इसकी जगह पे सूजी भी डाल सकते हैं। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और अब इसमें हम ऐड करेंगे पानी, जो हम पहले थोड़ा सा डालेंगे, थोड़ा थोड़ा डाल के इसका हम बैटर बनाएंगे। बैटर बहुत ज़्यादा ना गाढ़ा होना चाहिए ना बहुत ज़्यादा पतला होना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने 1 ग्लास पानी लिया था जिसको मैंने पूरा यूज कर लिया है। तो यहाँ पे ये वाला चम्मच छोटा पड़ा है तो हम इसको साइड में रख देंगे, बड़े चम्मच से मिक्स करेंगे ताकि इसकी जितनी भी गुठलियाँ हैं वो खत्म हो जाए। तो यहाँ पे मैंने 1 ग्लास पानी पूरा यूज कर लिया है। अब इसके बाद मैं थोड़ा सा पानी और डालूंगी, तो आधा कप पानी और डालेंगे और इसको वापस से मिक्स करेंगे। यहाँ पे जो हम बैटर बनाएंगे बहुत ज़्यादा ना गाढ़ा होना चाहिए और ना बहुत ज़्यादा पतला। तो जब भी आपके बच्चे सब्जी और रोटी खाने से मना कर दें तो आप सब्जी और रोटी की सामग्री से उनको ये नाश्ता बना के खिला सकते हैं, जिससे बच्चे भी खुश और उनकी मम्मा भी खुश, तो यानी आप दोनों खुश हो जाएंगे। और जब आप दोनों खुश हो जाइएगा तो प्लीज़ वीडियो को फैमिली एंड फ्रेंड के साथ दिल खोल के शेयर कर दीजिएगा ताकि सभी लोग इस रेसिपी का फ़ायदा उठा सकें, क्योंकि बच्चों के स्कूल अब खुलने वाले हैं, फिर से नया सेमेस्टर चालू होने वाला है, तो आपको लंच बॉक्स के लिए तो रेसिपी चाहिए होगी, तो आप इसे ट्राई कर लीजिएगा। तो देखिए इस तरीके से हमारा स्मूथ सा बैटर बन चुका है। अब मैं आपको इसको चेक करने का तरीका बताऊंगी। इस तरीके से चम्मच को पीछे कर लीजिए और एक लाइन ड्रॉ कीजिए। अगर लाइन आपस में चिपक नहीं रही है तो समझ जाइए परफेक्ट है, अगर चिपक रही है तो आपको थोड़ा सा इसमें आटा और डालना पड़ेगा और इसको गाढ़ा करना पड़ेगा। देखिए स्मूथ सा बैटर रेडी हो चुका है। अब चलिए चलते हैं बनाने के प्रोसेस की तरफ। तो फ्रेंड आ गए गैस की तरफ। यहाँ पे देखिए मैंने एक पैन लिया, आप चाहे तो तवा भी ले सकते हैं। यहाँ पे हम इसमें थोड़ा सा ऑयल डाल देंगे, आप घी और बटर भी डाल सकते हैं और इस तरीके से हम इसको फैला लेंगे पूरे पैन में। तो यहाँ पे मैंने 1 से 2 बूंद तेल का इस्तेमाल किया है इस रेसिपी को बनाने के लिए। यहाँ पे पैन जब तक आपका गर्म नहीं होगा आपको कुछ भी नहीं करना है। जैसे आपका पैन गर्म हो जाएगा आपको इसके अंदर इस तरीके से बैटर को ट्रांसफर कर देना है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको 1 चम्मच डालना है, फिर वापस से 1 चम्मच डालना है, टोटल आपको इसके अंदर 2 चम्मच डालना है। यहाँ पे आपको ख्याल ही रखना है कि इसको बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं बनाना है और बहुत ज़्यादा मोटा नहीं बनाना है और बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं बनाना है। तो यहाँ पे अगर आपको कुरकुरा क्रिस्पी चाहिए तो आपको कवर नहीं करना है, तो मुझे कुरकुरा क्रिस्पी चाहिए तो मैं कवर नहीं करूँगी। अब इसको हम मीडियम फ्लेम पे कम से कम 1 मिनट के लिए सिकने देंगे और 1 मिनट के बाद इसको टर्न करेंगे। उससे पहले आपको इसे टच नहीं करना है डियर। तो फ्रेंड 2 मिनट हो चुका है इसको पकते हुए। ये देखिए अब हम इसको छू रहे हैं तो बिल्कुल भी हाथ में लग नहीं रहा। अब आपको इसे टर्न कर देना है इस तरीके से। देखिए कितना सुंदर सा कलर आ चुका है। और यहाँ पे टर्न करने के बाद अब इसे हम दूसरे साइड भी 1 मिनट पकाएंगे। टोटल इसको बनने में 2 मिनट का टाइम लगेगा तो फटाफट बन जाता है, तो चलिए हम इसे 1 मिनट और पका लेते हैं। तो फ्रेंड 1 मिनट हो चुका है, इसको हमें धीमी धीमी आंच पे पकाते हुए। अब गैस के फ्लेम को हमने हाई कर दिया, इस तरीके से दबा दबा के इसको हम 10 सेकंड सेकेंगे ताकि ये क्रिस्पी हो जाए। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से हमारा बिल्कुल अच्छे से हो गया है। अब इसको हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। देख लीजिए कितना ज़्यादा देखने में खूबसूरत लग रहा है, जितना ज़्यादा देखने में खूबसूरत लग रहा है खाने में उससे ज़्यादा क्रिस्पी है, मज़ेदार है, अंदर से बिल्कुल रुमाल जैसे सॉफ्ट है ये। तो यहाँ पे दोबारा बनाने के लिए हमें थोड़ा सा तेल वापस से डालना है और इसको 1 से 2 बूंद तेल को अच्छे से फैला लेना है, ज़्यादा तेल का इस्तेमाल नहीं करना है। और सेम पहले वाले की तरह हमें पहले 1 चम्मच डालना है और फिर वापस से हमें 1 चम्मच डालना है, तो टोटल इसके अंदर 2 चम्मच जाएगा। और इस तरीके से हमें इसको फैला लेना है, बहुत ज़्यादा मोटा नहीं बनाना है ना बहुत ज़्यादा पतला बनाना है। तो यहाँ पे इसको भी हम पका लेंगे। तो जब तक ये पक रहा है हम आपको दिखा देते हैं रिजल्ट कैसे आपको इसे सर्व करना है ताकि आपका टाइम ना बर्बाद हो डियर। तो यहाँ पे देखिए मैंने इसको प्लेट में निकाल लिया है। अब यहाँ पे मैं इसके ऊपर डालूंगी थोड़ा सा केचप, जो बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद होता है। आप चाहें तो मोमो चटनी भी लगा सकते हैं, ग्रीन चटनी भी लगा सकते हैं अगर आप अपने लिए बना रहे हैं, या फिर आप इसमें मेयो भी लगा सकते हैं। तो मेयो में होता है एग, तो इसलिए मैं नहीं लगा रही हूँ। अगर आपको वेजिटेरियन वाला चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, मैं आपके साथ शेयर करूंगी इसकी भी रेसिपी। यहाँ पे जो हमारा मसाले वाला आलू था
वो हम ले लेंगे। यहाँ पे हम इसके बीचों बीच में अच्छे से रखेंगे ताकि जो बच्चे का पेट है वो फुल फिल हो जाए। और अब आपको इसे इस तरीके से रख देना है। देखिए थोड़ा सा इसके ऊपर लगा देंगे तो क्या होगा कि इसको चिपकने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। इस तरीके से चिपक गया, दूसरे वाले में भी थोड़ा सा लगा दीजिए केचप और इस तरीके से चिपका दीजिए। और यहाँ पे आपको इस तरीके से मोड़ के इसको बच्चों के टिफिन बॉक्स में इस तरीके से पैक कर देना है। ये देखिए इस तरीके से, ताकि इसको खाने में आसानी हो। आप चाहे तो इसका रोल भी बना सकते हैं। अब मैं आपको इसको कट करके दिखाती हूँ कितना मज़ेदार ये बना है, अंदर तक कुक हुआ है। ये देखिए इस तरीके से बच्चा खा लेगा, उसका हाथ भी नहीं गंदा होगा। अब मैं आपको इसको सर्व करके दिखाती हूँ चटनी के साथ। तो ये देखिए चटनी के साथ इस तरीके से बच्चे को सर्व कीजिए, मेहमानों को सर्व कीजिए, बहुत ही मज़ेदार है। एक दो ही देंगे तो बच्चे का पेट फुलफिल हो जाएगा और उसकी भूख भी शांत हो जाएगी और बच्चा हेल्दी खाएगा। रोटी सब्जी खाने से नखरे करता है, तो इस तरीके से बना के दीजिए, बहुत ज़्यादा हेल्दी है। अगर ये चटनी के साथ नहीं खाना चाहता तो आप इसे केचप के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं। तो चलिए मुझसे तो वेट नहीं हो रहा, मैं जा रही हूँ इसे इंजॉय करने। आप भी बनाइए, खाइए, अपनी फैमिली वालों को खिलाइए। कौन सी रेसिपी आपको ज़्यादा अच्छी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और फैमिली एंड फ्रेंड के साथ इस रेसिपी को दिल खोल के शेयर कीजिएगा। टेक केयर।